पैगंबर अकरम की खिदमत में एक बद्दुआ आया और आने के बाद नबी करीम से आके कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, आपकी बज़्म में बैठने वाले आपके असहाब हमेशा आपके करीब रहते हैं, कितना इनका आला रुतबा है, क्या इनको अजर व सवाब मिलता होगा। एक तो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, दूसरे मैं गरीब बहुत हूँ, तीसरे कोई मेरे घर में दूसरा कमाने वाला नहीं है, लिहाजा दिन भर मेहनत करता हूँ, वक्त भी कम मिलता है, आपकी बज़्म में आ भी नहीं सकता, कुछ ऐसा बता दीजिए कि मुझे भी सवाब मिले। पैगंबर ने कहा अच्छा, एक तुम्हें तस्बीह बताए देते हैं, इसको पढ़ते रहना, ये वजीफा है, इसको पढ़ते रहना। का कहना अंत रब्बी व अना अब्दुक, अंत रब्बी व अना अब्दुक। और ये बड़ा खुश हुआ, भाई इतने सी, ये दो अल्फाज, बस इतना, दो जुमले ये। कहा कि हाँ बस तुम ये पढ़ना। अब जनाब पहुंच गया सहरा के अंदर, अपने रेवड़ को लेकर सहरा के अंदर गया हुआ है, उनको चरा रहा है, तकिया अपने असा के ऊपर किया हुआ है और पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है। लेकिन बिल्कुल कम अकल का इंसान था, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, लिहाजा न जाने कब तस्बीह को उलट दिया, यानी कहना यह था कि तू मेरा रब है, मैं तेरा बंदा हूं, उसको पलट कर न जाने कब उलट गया, अभी पता भी नहीं कि मैं क्या कह रहा हूं, मैं तेरा रब हूं और तू मेरा बंदा है। जितना मौका मिल रहा है, जब भी फुर्सत है, उसको पढ़े चला जा रहा है, उसको पढ़े चला जा रहा है। फरिश्तों में कोहराम बपा हो गया, या अल्लाह ये तेरा बंदा कहां से पैदा हो गया जो रब होने का दावा कर रहा है। बस एक मर्तबा जिब्रील अमीन आए, या रसूल अल्लाह, आपने उसको जो कुछ बताया था वो उसने उलट दिया। जाकर पैगंबर ने जल्दी से उसको बुलवाया, आया, कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, आपने जो तस्बीह बताई थी मुसलसल, जब भी मुझे वक्त मिलता है मैं उसको पढ़ता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, अब तो मुझे यकीन है कि अल्लाह के यहाँ मेरा भी दर्जा बढ़ गया होगा और तो मेरा भी इनाम बहुत होगा। पैगंबर ने कहा क्या पढ़ता है? उसने कहा कि तुमने तो उलट दिया उसको, तुम तो उल्टी बात कह रहे हो। बस ये सुनना था, एक मरतबा रोने लगा, आंसू बहने लगे, दाढ़ी से आंसू बह बह कर दामन को भिगोने लगे। ये मैंने क्या किया, मुझ जैसा जाहिल, मुझ जैसा अनपढ़, मुझ जैसा इंसान। बस अभी ये गुफ्तगु हो रही थी कि इन आंसुओं के दामन पर आने आते आते जिब्राइल अमीन आ गए और कहा या रसूल अल्लाह, इससे कह दीजिए कि इसकी गलत तस्बीह को भी अल्लाह ने सही तस्बीह में शुमार कर लिया, इसलिए कि अल्लाह दिल देखता है, ज़बान नहीं देखता।